हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो फैयाज। हाँ बोलिए भाई, आप ही कॉल करना, बोलिए। यार अजीब पागल आदमी, पहले खुद फोन कर, तो जब हम कॉल बैक करते हैं तो कहीं तो बोलो तुमने कॉल किया है। तो मैं जब मेरे जरूरत थी, जब फोन मेरा ब्लॉक कर देते, मैं क्या करूँ, तो मेरी क्या गलती है। हाँ तो नंबर तो ब्लॉक कर ही दूंगा ना, जब कोई काम की बात करोगे नहीं, खाली मातम करते रहोगे औरतों की तरह, तो नंबर तो भाई हम ब्लॉक कर ही मातम देंगे। बिल्कुल यार, एक नई बात ही बोल दिया, मातम क्या होता है ये। मातम क्या होता है, अभी देखो, अभी तुम खुद करोगे भाई। मेरे वो 2 लाख रुपए आपके ऊपर बाकी हैं, अभी तक आपने दिए नहीं। सही को नहीं दिया मैं, आप साबित ही नहीं करोगे ना, तो मैं काफी दूँ। इसको कहते हैं मातम, ठीक है, आ गया समझ में। अरे अरे भाई, इसी को आप मातम साबित ही कहते नहीं हैं कि 2 लाख रुपए का तुमने मतलब हमसे ये चैलेंज किया कि अपने आप को अभी भी मुसलमान साबित, साबित कर दो तो 2 लाख रुपए देंगे। अब साबित कर दिया तो मातम कर दो, करो कहाँ किया। अरे वो तो तुम्हारा हॉल है ना, तुम साबित, तुम्हारा तुम कर लिए, सामने वाला तो यकीन नहीं अरे तो करा भैया, मेरे को अपने आप को साबित ना। करना है तो मेरे ही कॉल, भाई मैं अपने कॉल से तो अपने आप को साबित करूंगा, या मैं पड़ोसी के कॉल से लेके आऊंगा। वो शैतान पे अपने आप को मैं साबित कर रहा, जिंदा हूँ, उन्होंने मैं कह मोटर रहा कहाँ हूँ लगाया ला ना। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह को एक अरे मानता शैतान, हूँ, अल्लाह के शैतान सिवा की किसी को माबूद नहीं अल्लाह मानता हूँ। अल्लाह के नबी को मैं अल्लाह का बंदा मानता हूँ, पैगंबर मानता हूँ। के तो मैं नबी को हो गया अल्लाह ना का बंदा मानता हूँ। मुसलमान। अरे मानता है तो अल्लाह के नबी को, भाई मैं आला हजरत को नहीं मानता हूँ, मैं अल्लाह के नबी को मानता हूँ, मोहम्मद अरे अल्लाह के रसूलुल्लाह नबी को मानते सल्लल्लाहु हैं आप, अलैहि वसल्लम। वो अच्छा। हमारे अरे अहले अल्लाह, सुन्नत अहले हदीस के अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हैं, आप इमामुल उनके इमाम की अंबिया हैं, तकलीफ करते हैं इमामुल आप। कायनात हैं। हाँ अबे बेशक, हम उनका नहीं उनको उनको है, मानेंगे बेशक तो क्या तेरे जैसे जाहिल लोग मानेंगे। बेशक बेशक, पूरे कायनात का अंबिया। आप मुझे बताइए, आप किस इमाम की तकलीफ करते हैं आप, किस हैं? इमाम की पैरवी करते हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने पे आसमान की नमाज पढ़े हैं, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है, आज पहली बार पढ़े आपने हैं, सच बोला है। क्यों पढ़े हैं। अस्तगफुरुल्लाह, नबी के अमल पे उंगली करता है, कहता है क्यों पढ़े। अरे अरे गुस्ताखी रसूल, फैयाज अरे पर ये बरेलवी, देखो कि तेरी हिम्मत जाहिल, कैसी हुई नबी के अमल पे उंगली करने की। अरे जाहिल नबी की तुझे, सुन जहां तो मर्जी आएगी सही। वहां हाथ बांध के नमाज पढ़ेंगे। तुम कौन होते हो कि अरे क्यों मेरे पढ़े। भाई, तू सुनते पर तू कहीं क्यों पढ़ यार रहा, तुम्हारी अम्मा सीने पे सीने हाथ पर हाथ बांध के। बांध के अरे पढ़ती है तो क्यों पढ़ती है, क्या मैंने आज तक पूछा। मैं तुझसे पूछ रहा भाई हूँ, मैं तुम्हारे तू कहीं मसलक सीने क्या पे हाथ होते हैं, बांधता सीने पे है। हाथ अरे बांधती है तो क्या मैंने आज तक पूछा कि काहे के लिए बांधती है। मैं तेरी अरे अम्मा की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ, सीने तो पे अल्लाह अल्लाह के के नबी ने नबी हाथ सीने बांध पे के हाथ पढ़े बांधते थे। थे तो तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है, तो हम भी सीने पे हाथ बांधते हैं, तो तमाम लोग सीने पे हाथ बांधते ये हैं। बात देख भाई, तू अजीब मेरी बात पागल नहीं सुन आदमी हो सकता, मेरे सीधा भाई, बोलता। नबी के अमल पे उंगली कर रहे हो कि क्यों बांधते हैं। अरे मैं उंगली क्या नहीं तुमसे उठा रहा हूँ पूछ के बेटी, बाहर मान नहीं गई क्या। मैं, हाँ बेटी मान गई, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ उनके ऊपर। तू पहले मेरी बात तो सुन, सुन रहा ही ना, खाली भोग रहे ना। अल्लाह के तू इतना भी नबी मेरे गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं बुखारी शरीफ तेरे की से बात हदीस कर है, सकता हूँ अल्लाह मैं, के नबी सीने पे हाथ बांधते थे। सहेल वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कितने बिन साल साद, मानता ठीक है, नहीं रजी है अल्लाह तआला भाई। अन्हु, वो फरमाते हैं कि लोगों को ये ऑर्डर दिया जाता था कि लोग अपने हाथों को सीने पे बांधे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांध के नमाज कई को अदा करे थे, मुझे उसका जवाब काहे को अदा दीजिए। करे थे। अरे जाहिल आदमी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी थी, अब उसमें काहे के लिए, क्या पीर बाबा के लिए नमाज पढ़ी थी। अरे अरे जाहिल आदमी, तेरे से यार कि अजीब मुनाफिक। मेरे भाई, इतने बड़े मतलब तुम कज़्ज़ाब हो गए, गुस्ताख हो गए, हमको नहीं मालूम था भाई। अरे जैसे मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो पूरी बात नहीं सुन रहा, तो अपना हौस सुना जा रहा। तू मेरे बात तो सुन मेरे भाई, तू अच्छा तू कहीं कुछ सीने पे सीने हाथ पे हाथ बांधने डाल पे आपको रहा, मतलब कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप बता दीजिए भाई। तू कहीं कुछ सीने पे हाथ डाल रहा, ये नया काम तू कहीं कर हम रहा। इसलिए बांधते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी बांधते थे, अल्लाह के नबी की बीवियां अरे बांधती थी, इसलिए हम सीने पे हाथ बांधते हैं। तमाम औरत, तमाम मर्द, तमाम बूढ़े, तमाम बच्चे सब सीने पे हाथ बांधते हैं। चल मुझे ये बता, अल्लाह के नबी जो करे वो तू तू करता है, बोल। माज अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बे नबी जो करेंगे वही तो हमको करना है, वही तो सुन्नत है। तुम्हारी तरह नबी थोड़ी ना है कि जो नबी अबे करेंगे वो सुन कभी तो नहीं सही करेंगे, जो बाकी बे, पीर बाबा अबे करेंगे सुन उनका करेंगे। तो सही बे, अबे सुन तो सही, नबी अपनी उंगली से चांद के 2 टुकड़े करे, तू भी कर। हाँ तो मौजूदा थोड़ी ना है, मौजूदा क्या होता है, सुन्नत। जाहिल आदमी, अरे जाहिल आदमी, तू नबी चांद ने के दो ग्यारह टुकड़े कर, भैया नबी ने भाई वो 11 शादियां की, तो क्या वो क्या हमारे लिए, तू भी क्या तो कर, वो हमारे लिए तू सुन्नत भी हो तो कर। जाएगी, पागल अरे तू आदमी। कुछ बोला, तू
अल्लाह के नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया है वो हमको करना है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल अज़ान हदीस नंबर 36, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ना है ना। नबी ने ये थोड़ी ना कहा कि जैसे मैंने चांद के दो टुकड़े किए वैसे तुम भी करो, पागल आदमी झूठ बोलते हो। हदीस के ऊपर अल्लाह नबी के गुस्ताख हो तुम। कहीं के वास्ते के था आपको रामायण, ये देखिए ये एक फैयाज, इसका नाम है फैयाज और ये एक नंबर का बरेली जाहिल है। ये कहता है नबी के जैसे नमाज ना पढ़ो, नबी ने जैसा सुन्नत पे अदा किया वैसे अदा ना करो। अस्तगफुरुल्लाह, सारे यूट्यूब वालों को मालूम है तू कितना बड़ा चैनल है, कितना बड़ा मक्कार आदमी भाई, वालों को मालूम है सब। अरे तेरे मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 740, ठीक है। सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि लोगों को ये ऑर्डर होता था, हुक्म दिया जाता था कि अगर वो नमाज में है तो दाएं हाथ अपने बाएं हाथ का जो होता है जिरा उस पर रखें, और जिरा पे जिरा आप जब रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो हाथ है वो नाफ के ऊपर यानी सीने पे आ जाएगा। तो अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, सहाबा सीने पे हाथ बांधते थे, सहाबिया सीने पे हाथ बांधती थी, इसलिए हम सीने पे हाथ बांधते हैं। अरे मेरी बात तो सुन, रुकू बजाने से पहले तुम्हारा रफादान करते, रुकू से उठने से पहले रफादान का मतलब क्या था हमको समझा दो सही है। रफादान का मतलब समझा मुझे, रफादान का मतलब सीने पे हाथ बांधने वाला मामला समझ में आ गया ना। अब कभी उम्मीद तो नहीं करोगे नबी की नमाज में। जाहिल आदमी, अल्लाह के नबी सीने था जरूर बांधे, लेकिन अस्तगफुरुल्लाह नबी की शान में तौहीन करता है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, मालूम है सारे लोगों को मालूम है, जिसके भी नबी ने सीने पे हाथ बांधा। अगर सीने पे हाथ बांधना अगर इतना ही मेरे पे गलत है और हराम है, बिदत है, तो तुम पहले अपनी अम्मा की इस्लाह करो ना, वो खुद सीने पे हाथ बांधती है। जाहिल आदमी, मेरी बात तो सुन, नबी अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधे, मतलब किसका से बांधे मालूम आपको? तुम जैसे किस तरीके से बांधे? जाहिल आदमी सीने पे जैसे हाथ बांधा जाता है, जीरा पे जीरा रख के, जीरा पे जीरा रख के हाथ बांधा जाता है। अबे गैर मुखल्लिफ है, मेरी बात तो सुन पूरी। और आप ये कह रहे हो ना कि अल्लाह के नबी ने वो कब किया, रफुलदैन कब किया, तो जाके खोल के देखो सही अल बुखारी और हदीस का नंबर है 736 में आता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब नमाज में खड़े होते तो कांधों तक अपने हाथों को उठाते, उसके बाद जब जाते रुकू में तो भी ऐसा करते, रुकू से उठते तो भी ऐसा करते, और दोनों सजदों के दरमियान में ऐसा ना करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह रफूलदान करना भी साबित हो गया। मेरी बात सुन रहा है ना, तो रख तेरा को तेरा खोल भागा भागा फैयाद टक्कर भागा फैयाद टक्कर भागा मेरी बात सुन रहा नहीं, मेरे को ये बता सीने हफ्ते भाई तुम सवालों की दुकान खोल के बैठ जाओगे तो क्या मैं आपके अब्बा जान का नौकर हूँ कि आपके एक एक सवाल का जवाब देता जाऊंगा? तो भी कई को फोन करा मेरे भाई, अबे तो आप काहे को चैलेंज किए थे 2 लाख रुपए का, जब आपके पास 2 रुपए नहीं थे तो 2 लाख का चैलेंज क्यों किया था? अबे चाले से अभी भी गायब हो, मैं मुसलमान पता नहीं आओ बाओ बोक रहा है पागल आदमी। देखो बरेलियों की मेरे नजदीक कोई हैसियत नहीं है, बरेलियों को मैं जाहिल समझता हूँ। बिद्दती मुशरिक गंदी नाली का कीड़ा वो मेरे जूतों के नोक के नीचे रहता है, मैं तुम लोग की कोई हैसियत नहीं समझता हूँ। अपने किसी अल्लामा को लेकर आओ जो तुम्हारा सबसे बड़ा उल्लू माँ है, उससे भाई उससे बात करो। तुमसे क्या बात करूँ? देखो ना कुरान आती है ना तुमको हदीस आती है, ना नबी की सीरत का इल्म है, ना सहाबा के बारे में मालूम है, ना ही तुमको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इल्म है, तो तुमसे क्या बात करें भाई? तुम लोग तो खिलौना हो टाइम पास। अरे मेरे मौलाना से बात करना चाह रहा था, बड़े मौलाना से। हाँ बात करा जल्दी, अभी लाइन पे देख तेरे पे। अरे मेरा तो छोड़ तो, मैंने क्या बोल रहा हूँ, अपने आपको तो बहुत बड़ा मामला जाहिल नजदीक। मासम करने से क्या मिल जाता है भाई आपको? अरे बरेलवी को क्या समझता है तू भाई? बरेलवी को मैं समझता हूँ बिदती मुशरिक गंदी नाली का कीड़ा जो दीन इस्लाम को बदनाम करता है, इस्लाम की तौहीन करता है, अल्लाह सुबहान तआला की तौहीन करता है, अल्लाह के नबी की तौहीन करता है, सहाबा की तौहीन करता है, मैं उसको बरेलवी समझता हूँ। हो गया अभी कहाँ हुआ है? अभी तो बेइज्जत करना शुरू किया है।
अबे सुन बे, तेरा काम ही जो है किसको सुनना था भैया? मेरा काम ही यही है कि जो कुरान हदीस को उल्टा सीधा बोलेगा मैं उसको बेइज्जत करूंगा। वो बेइज्जत करने के लिए पैदा हुआ दुनिया में। आपने जाहिल आदमी, नबी के मौजूदे को तू मजाक बनाता है। अल्लाह के नबी ने चांद के दो टुकड़े किए तो तू हमसे कह रहा है कि हम भी करें? पागल आदमी, हमने क्या नबूवत का दावा किया है? पहले हदीसों ने क्या नबूवत का दावा किया जाहिल आदमी, जो हम चांद के दो टुकड़े करेंगे? तेरे को इतना इल्म नहीं है कि चांद के दो टुकड़े करना ये अल्लाह के नबी के साथ ये खास है, ये मौजूदा है? और तू कह रहा है कि बाकी लोग जान के तो टुकड़े करें? तेरे जैसे जो मेरे भाई नाम नियत मुसलमान है वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। तुम साले लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, बिड़ीचा बाबा, इनके मानने वाले जाहिले मुतलक, तुम्हें क्या पता तौहीद क्या है? बड़ा आया है, बहुत बड़ा 2 लाख का चैलेंज करने वाला, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करने लगता है। नबी जो अमल करे वही सुनना बना, नबी जूतियां लगे। नबी ने जो अमल करने को कहा है, जो सुन्नत है वो करेंगे, मौजूदा थोड़ी ना करेंगे। अरे मौजूदा अलग होता है, हदीस अलग होती, सुन्नत अलग होती। तेरे को पहले जाके बारीकियां पता कर। अल्लाह के नबी के पसीने से खुशबू आती थी तो क्या तू आपके तेरे भी पसीने से आती है खुशबू? अरे तू खुद दावा करता है नबी हमारे सर के बल, तू खुद दावा करता है भाई। पागल आदमी मेरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि नबी के पसीने से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आती है, दुनिया में किसी के पसीने से खुशबू आ ही नहीं सकती। तेरे मुंह से शोभा ना इतना, तेरे मुंह से दूर जा रहा है जाहिल आदमी। भाई जाके पहले जाके इल्म हासिल करो, बाद में आना बहस करना है। पहले हदीसों से इल्म के मैदान में तुम्हारे ऐसे जाहिल लोग बात ही नहीं कर सकते। अरे मेरी बात तो सुन, ये बड़े हुए तो ये समझता है हम जो अहले थे जितने भी आते मुल्ला है ना, हम लोगों को हिंदू। अरे भाई देखो, मुल्ला ये सब बात में करना है मेरे प्यारे भाई? मैं आपको मेरे भाई दावत दे रहा हूँ दीन इस्लाम की। सबसे पहले आप उर्दू में कुरान को पढ़िए, पूरे फातह